लोगों के पंख निकल आए हैं। सब आपका प्यार का नतीजा है साहब जी। मैं प्यार करके जैसे उठा सकता हूँ वैसे ही मिट्टी में मिला भी सकता हूँ। इतना हिम्मत मेरी ही जमीन हटिया ले। सब इस वीडियो का किया कराया है साहब जी। कोई कुछ भी बोले, उन लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है क्या? मैं भी देखता हूँ, हर कोई आदमी किसी ना किसी कारण मेरे से उधारी ली है। अगर कोई भी आदमी एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोलेगा तो तुम देखना उन लोगों का हालत में क्या कर सकता हूँ। वो तो सब ठीक है साहब जी, लेकिन उन लोगों को आपके कारनामों के बारे में सब कुछ पता है साहब जी, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। अरे तुम्हें तो पता है ना, उड़ते हुए पंछी की पंख कब और कैसे कटना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रमेश, कुछ परिवर्तन दिखा आपको? अरे मैडम, परिवर्तन मतलब मैं तो हैरान ही रह गया, बहुत परिवर्तन हुआ। क्यों? आपको पता है, विक्की ने जब से गांव में दारू का सप्लाई बंद कर दिया है पूरे गाँव वाले पागल हो गए हैं। अच्छा? हाँ, और तो और जुआ भी खेलना बंद कर दिया है। मुझे लगता है ये तीनों लोग मिलकर महाजन से भी बात किया होगा। वो मुझे पता है, उन्होंने बताया था। लेकिन महाजन ने कुछ जवाब नहीं दिया होगा। कैसे देंगे इतनी जल्दी जवाब, ऐसे हाथ में आया हुआ चीज वो थोड़ी ना जाने देंगे। हाँ, ये बात तो आपने ठीक ही कहा है। हाँ, सिर्फ ये तीनों मिलके महाजन से गाँव वालों का जमीन थोड़े ही ना निकलवा सकते हैं। लेकिन हाँ, गांव वालों ने अगर उनको साहस दिया तो कुछ तो भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। सोचा था मैडम ही कोई रास्ता दिखाएगी, लेकिन कहा उन्होंने भी कह दिया जमीन तुम्हारी है, तुम लोग छुड़ाओ। इसलिए अभी हमें ही कुछ चालाकी करनी पड़ेगी। हाँ, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या? देखो, अगर हम बाकी लोगों को अपने साथ में ले ले तो, मैंने एक दो को इसके बारे में बोला भी था। हाँ, तू ठीक बोल रहा है, अगर हम लोग महाजन का गला पकड़ ले तो महाजन को ये जमीन छोड़ना ही होगा। छोड़ना ही होगा, लेकिन क्या लोग इतने साहस करेंगे? उनको हम साहस देंगे ना। हाँ, चल फिर हम लोगों से बात करके देखते हैं। हाँ, चलो चलो जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ, चलो 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 चलो। ओ भैया जरा रुको, ओ भैया जरा सुनो तो। देखो भैया, सीधी सी बात है, हम लोग ऐसे अकेले अकेले महाजन से अपना जमीन नहीं छुड़वा पाएंगे, है कि नहीं? बराबर, इसीलिए हम सबको एक साथ में काम करना होगा, आप लोगों का मदद चाहिए। आप लोग हमारी मदद करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे हमारा ही जमीन पे हम लोग दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, इससे ज्यादा दुख की बात हम लोग के लिए और क्या हो सकता है। इतने दिनों से जो हुआ सो हो गया, अब जैसे भी हो तुम लोगों की जमीन महाजन से छुड़ाना ही होगा। पहले तो दरा धमका के हमारे से हमारी जमीन छीन ली, अब वापस करना चाहते हो? अरे भैया, बहुत सारी पुरानी बातें हैं, भूल जाओ ना। अभी सिर्फ इतना बताओ कि आप लोग हमारे साथ हो या नहीं। हाँ हाँ हूँ, क्यों नहीं, अरे पूरा गांव है आप लोग का साथ। अरे पर क्या, भूल जाइए ना पुरानी बातें, आप सिर्फ इतना बताइए आप हमारे मदद कर रहे हो कि नहीं। बिल्कुल कर रहा हूँ, आप घबराइए मत। चलिए अभी अभी जाते हैं। चलिए चलिए चलिए। सब्जी, ओ सब्जी, सब्जी बहुत बड़ी बात हो गई है। सब्जी, क्या हुआ? क्या हुआ कैसे बताऊं आपको? अरे सुरेंद्र, कुछ तो बताओ क्या हुआ। अरे सब्जी, वो बीकी के लोग सारे गांव वालों को अपने साथ मिला लिया है। वो लोग जैसे तैसे आपका वो राजपद वाला जमीन सीन लेना चाहता है। क्या बोल रहे? हाँ, वो लोग बातें कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना है साहब जी। उन पर भरोसा करके आपने सब बर्बाद कर दिया। मतलब गलती कर दिए, ऐसे तो किसी में हिम्मत नहीं थे। अब वो तीन साथ मिल गए हैं तो सब में साहस आ गया है साहब जी। गाड़ी निकल।
क्या है? ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे कहो। मतलब इन लोगों का ये कहना है आपसे, आपको जितना भी पैसे देना है वो लोग आपको दे देंगे, अब बस उनकी जमीन वापस कर दीजिए। जमीन वापस सही है जी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, पैसा देने के वक्त तुम लोगों से लिखवा कर ही पैसा दी थी मैंने। तुम लोगों ने ही खुद लिख कर दिया था कि समय पर अगर पैसा वापस ना कर पाया तो जमीन मेरी। और जिस जिस से मैंने जमीन ली है सारे कागजात मेरे पास है, मतलब कि एक एक टुकड़ा जमीन का सबूत मेरे पास है। फिर भी तुम लोगों को जमीन वापस है तो सबूत लाओ, मैं जमीन वापस कर दूंगा। चलो। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्यों, तूने हार मान ली क्या? वरना क्या करे, जमीन के कागजात तो हमारे पास नहीं है, सब कुछ महाजन के पास है। लेकिन मैं इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अरे भैया, हार तो हम भी नहीं मानेंगे, लेकिन क्या करे, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा ना। अरे कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही पड़ेगा। हाँ, क्या तुझे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? हाँ बोल। अब तक तो नहीं। तब तो हम लोग जरूर मरेंगे, और मैडम भी हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। अब तुम लोग ही बोलो क्या करें। ये बीडीओ मैडम बिकी लोगों को जेल भेजेगी क्या? मुझे क्या पता भाई। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, बिकी लोग जेल जाने से परेशानी तो हम लोगों को ही होगी ना। मुझे कोई परेशानी नहीं हुँ? क्योंकि इसका हाल मैंने निकाल लिया है। कैसे? तुम्हें पता है उस दिन मैं कहा गया था? कहाँ गए थे सब्जी? बादल से मिलने गया था। अगर उन तीनों पकड़ भी जाए, उनका साथ मेरा नाम ना है, इसका उपाय बादल कर रहा है। बहुत अच्छे, अब ये कागजात जिन जिन के हैं उन्हें जाकर वापस कर दो। लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम लोग खुद जाकर गांव वालों को ये कागज वापस कर दो, और अगर नहीं किया तो चोरी के इल्जाम में मैं तुम तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे आप हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, आप ही काम करवाते हो और आप ही फंसा रही हो, ये काहे की इंसाफ है? इंसाफ के दुहाई देने वालों, पहले जो महाजन के लिए काम करते थे वो क्या सही थे?
और जो तुम लोग गांव वालों को लूटते थे वो क्या इंसाफ थे? बात करते हैं, अब जाओ गांव वालों को कागजात वापस कर दो। लेकिन मैडम। निकलो। हम लोग तो अभी मरेंगे। वाह मैडम, आपने क्या खेल खेला, एक ही वार में चोरों को भगवान बना दिया। हाँ रमेश, इनको जरा अच्छा है कि स्वाद चखने दो, अगर ये लत लग गई तो वो खुद ब खुद अच्छाई के राह पर चल पड़ेंगे। अरे मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना, चंजू चोरी करने में बड़ी ही माहिर है, सामने से कोई सभी चीज उठा के ले जाएगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर भी महाजन के घर से कागजात चोरी करके लाया, बहुत बड़ी बात है। अरे जो भी हो, उसका चोरी करने का गुण हम लोग का ही तो काम पे आया है ना, अब हम लोग को जमीन का कागजात मिल ही गया है तो जितना जल्दी हो सके महाजन का बाकी का पैसे वापस कर देना चाहिए। अच्छा रमेश। जी मैडम। वो विक्की और उनके दोस्तों को जो इनोवेटिव फार्मिंग का प्रोजेक्ट हम देने वाले थे उसका काम जितनी जल्दी हो सके आप आगे बढ़ाइए। ठीक है। क्योंकि अगर देर हो गई तो वो लोग फिर से कोई गलत संगत में पड़ सकते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें सुधारा है। समझ गया मैडम। और आपको कितना समय लगेगा वो काम कंप्लीट करने के लिए? मैडम बाकी सब काम हो ही गया है, सिर्फ कृषि विभाग का जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है और जूनियर इंजीनियर, उन दोनों का सिग्नेचर बाकी है। ठीक है, आप काम आगे बढ़ाइए ताकि वे लोग जल्द से जल्द काम पर लग सके। ठीक है मैडम। सब्जी 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 सब्जी, आपने कुछ आदमी को काम पे लगाया है क्या? आदमी को कहाँ? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, किसी को अपने काम पे लगाया है क्या? नहीं तो। अरे सब्जी, आपके राजपथ के बगल वाला जमीन में कुछ लोग काम कर रहे हैं सब्जी। यहाँ क्यों काम कर रहे हो? किसकी इज्जत से है काम कर रहे हो? बाहर निकलो सब। मालिक हम किसी का क्यों सुनो, हम अपनी खुद का जमीन पर ही तो काम कर रहा हूँ। ये तुम्हारा जमीन है। हाँ, हाँ। इधर हो, इधर हो, सब लोग इधर हो। चलो 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 चलो। क्या 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 बोला तुम लोगों ने, ये जमीन तुम लोगों का है? हाँ, हम लोगों का है। देखो भाई, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, अगर यहाँ पुलिस आई तो एक एक को घसीट कर थाना ले जाएगी। देखो मेरी जमीन पे मेरी इजाजत के बगैर काम करने का अंजाम पता है ना तुम लोगों को? ये हमारी जमीन है मालिक, और कोई पुलिस वाला हमको यहाँ से नहीं निकाल सकता। अच्छा ये तुम्हारा जमीन है, सबूत दिखाओ भाई। है सबूत? अभी दिखाओ ना सबूत। मालिक है सबूत, पक्का सबूत है हमारे पास। दिखाओ दिखाओ। देखिए देखिए दिखाओ। ये देखिए, ये कागजात इनके हर कैसे? नहीं मालिक, हाथ मत लगाइए, अब इन पर आपका कोई हक नहीं है। हमको पुलिस का डर नहीं खतरा, जाइए यहाँ से, हम किसी से नहीं डरते। जमीन तो वापस मिल गई, लेकिन अब पैसे लौटाने में तुम लोगों को मदद करनी होगी। हम लोग क्यों मदद करें? अरे अगर तुम लोग ही ऐसे बात करोगे तो कैसे होगा? वो लोग अगर पैसे जमा नहीं कर पाएंगे तो कैसे महाजन को पैसे लौटाएंगे? देखिए मैडम, पैसे कैसे लौटाएंगे वो उनकी बात है, हमारा काम था जमीन को वापस करना जो हमने किया, अभी बाकी सब वो जाने। तुम लोग जो भी काम करते हो उसे पूरा तो किया करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो उसके लिए मैं तुम लोगों को काम दूंगी, और तुम लोगों को उसके लिए अलग से पैसे भी मिलेंगे। अच्छा मैडम, पैसा हम लोगों को मिलेगा क्या? हाँ। मैडम हमें कौन सा काम करना होगा? गुड, मैंने रमेश को सब कुछ समझा दिया है, तुम लोग ऑफिस में आ जाना, वो समझा देगा। क्या करें अब? बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती,
और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 और 7:30 पर। अच्छा तो ये बात है, तब तो ये काम करने में मुझे बहुत असुविधा होगी। क्यों? क्योंकि कुछ सरकारी लोग भी उनके साथ शामिल हैं, और सरकारी लोगों के ऊपर हाथ उठाना मतलब मुसीबत को मोल लेना है। मतलब तू डर गया है ना? मैं डरता नहीं हूँ सेठ, लेकिन जो काम करने में कोई फायदा नहीं है वो काम मैं नहीं करता हूँ। कागजात तो आपके हाथ से गया और ये बात आप मान ही लो। देखो ये सब काम तुम लोगों का बस का बात ही नहीं, ये सब बनाने से नहीं चलेगा। इतना दिन तक तुझे मैं ऐसे ही पाल पुछ कर रखा हुआ था, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। जो कुछ भी करना है अब मैं करूंगा यहां से। सेठ अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा। अरे तुम लोगों की वजह से तो हम लोगों को हमारा जमीन वापस मिला है और सरकारी काम करने का भी सुविधा मिला है। हम लोगों को तो ये सब सपना जैसे लग रहा है। अगर तुम लोग ऐसे ही काम करते रहोगे तो और भी काम मिलेगा। कौन देगा? मैडम नहीं, असल में सरकार ने आप किसानों के लिए ढेर सारा योजनाएं बनाए है और हमें उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थे। अगर पहले से ही मालूम होता कि ऐसा काम करके भी पैसा मिलता है तो हम बुरा काम क्यों करते? इसके लिए तुम लोगों ने हम लोगों के साथ इतना परेशान किया था। ये सब बात छोड़ो, हम लोग भी कुछ काम अपने इच्छा के विरुद्ध किए थे। अरे भाई जो भी हुआ अच्छा ही तो हुआ, तुम लोगों की वजह से हमें अपना जमीन वापस मिला है और सरकारी काम करने का भी सुविधा मिला है। अब हम ये मौका नहीं गवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अब जितनी जल्दी हो सके तुम लोग महाजन के पैसे वापस कर दो। जब भी पैसे मिलेंगे उसे दे देंगे। लेकिन इतना पैसा लौटाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना? अरे भैया वो सब संभालने के लिए हम तीनों हैं ना। हाँ। तुम लोग सिर्फ अपना अपना काम करो। मैडम रमेश मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं गांव जा रही हूँ। अच्छा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, आप ऑफिस में ही रहिएगा। आप अकेली जा रही हैं? हाँ क्यों? आपका अकेला जाना ठीक नहीं होगा मैडम। क्यों, कोई कुछ करेगा? वही तो, महाजन का आपके लिए अच्छा सोच नहीं है। कोई महाजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर हो सके तो मैं ही आज महाजन का मुंह बंद करूंगी। मालिक हम लोग आपका उधर का पैसे वापस करने आया हूँ। चुप चुप, चोर कहेंगे, मेरे सामान मुझसे चुरा कर मुझे ही वापस करने आया। मालिक हम लोग जमीन के कागजात वापस करने नहीं आए, उधार के पैसे वापस करने आए हैं। हाँ मालिक। अच्छा, अगर चोरी करके तुम लोग जमीन के कागजात नहीं ले जाते तो ये प्रोजेक्ट तुम लोगों को मिलता? अगर प्रोजेक्ट पे काम करने का सुविधा नहीं मिलता तो उधार कहाँ से चुकाते? अरे मुसीबत में मैंने ही तुम लोगों का साथ दिया है और तुम लोग हो कि मुझे ही लात दे दी। मैंने तो किसी से जबरदस्ती अपना जमीन नहीं मांगा था, तुम लोग खुद आए थे उधार के पैसा नहीं चुका पाने के कारण अपना जमीन वापस देने। माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। इन लोगों ने खुद की मर्जी से अपना जमीन आपके हाथ में नहीं दिए थे, बल्कि आपने इनके मजबूरी का फायदा उठाया था। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, किसी का घर में घुसकर हिसाब किताब करने से बेहतर अपना सरकारी काम में ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा। मेरी सरकारी काम जो आप कर रहे हैं आप लोगों के घरों से ही शुरू होता है। सरकार आप लोगों के लिए ही है महाजन जी, और इसलिए मैंने मेरा काम आप लोगों के घरों से ही शुरू किया है।
यहाँ आकर मुझे पता चला कि सरकारी प्रोजेक्ट सेंक्शन करने के लिए लोगों के पास खुद की जमीन भी नहीं है। फिर मैंने पूछताछ की और मुझे पता चला कि उन लोगों के पास जमीन तो थे, लेकिन अब आपके पास है। अच्छा, इसीलिए जमीन के कागजात चोरी करवा के अपने गाँव वालों को दे दी। एक बात आपको पता है, इस वजह से थाना जाकर अगर मैं केस दर्ज करूं तो आप भी फंस सकते हैं। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद जेल में चक्की पीसेंगे। ठीक बोला मैडम। और आपने क्या बोला था? मैंने चोरी करवाई है? आपको तो खुद पता ही होगा कि चोरी किसने की है, क्योंकि उन चोरों को बनाने वाले तो आप ही हैं। आपने खुद के स्वार्थ के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया और उन लोगों ने आपके स्वार्थ को ही चोट पहुंचाया। ऐसे सबके घृणा के बीच जीने का मजा ही क्या है महाजन जी? ऐसे जीने में और मरने में कोई फर्क नहीं है। आप जैसे लोग इस समाज के लिए साहस है और ये लोग इस समाज के लिए प्रेरणा। जहां साहस और प्रेरणा एक साथ हो वहां समाज आगे ना बढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो इन लोगों को समझदार नहीं मानते, लेकिन अपनी गलती की सुधार समझकर इन लोगों को सुधारने की कोशिश कीजिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि सब खुद को पहचान पाए हैं, खुद की शक्ति को पहचान पाए हैं। मन से सारी बुरी चीजें निकालकर उसी शक्ति को क्या आप थोड़ी बढ़ा नहीं सकते? जरा सोचिए महाजन जी, अगर जी ही रहे हैं तो गर्व से जीने की संकल्प लीजिए। और तुम लोग जो खुद को पहचान पाए हो, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं। बुरी शक्ति के विरोध हम लड़ेंगे और खुद जीकर दूसरों को प्रेरणा देंगे। बुरी शक्ति के विरुद्ध लड़ेंगे और खुद जीकर दूसरों को प्रेरणा देंगे। आप लोगों का जो कर्ज था वो मैंने माफ कर दिया, वो पैसा आप लोग अपने अपने खेत पर लगाइए। महाजन जी, आपने तो हमारे सर से एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। महाजन जी, बहुत बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अब तुम लोग जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। ठीक है मैडम जी, ठीक है मैडम जी। चलो भाइयों, ठीक काम लग जाते हैं। चलो भाई, चलो 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 चलो। धन्यवाद, शुक्रिया महाजन। चलो चलो चलो, काम पे लग जाओ अभी। सही सही, आपकी आंखें तो खोली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलो